Hello everyone, this is Ashish Jain. This is a continuation video on income from salary. In this particular video lecture, I am focusing only one topic, that is provident fund, because provident fund it's a wide topic, and to understand the fundamental, or you can say the basic concepts, all basics of the provident fund. That's why I'm taking the special video lecture on this particular topic. Okay, so हम समझते हैं, like हमारे टॉपिक का नाम है, that is provident fund. प्रोविडेंट फंड क्या होता है एंड इसका सैलरी से क्या रिलेशन है. देन हम पढ़ेंगे कि हाउ दिस पर्टिकुलर फंड इज टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी. देन अगर एग्जेम्प्ट है तो कितना अमाउंट एग्जेम्प्ट होता है वो सब पढ़ेंगे. पहले इससे रिलेटेड कुछ हम बेसिक पढ़ लेते हैं. सपोज दिस इज एन एम्प्लॉय, ऑलराइट, एंड दिस इज द बैंक एंड दिस इज द एम्प्लॉयर. ये कौन है एम्प्लॉयर एंड ये कौन है एम्प्लॉई, एंड दिस इज बेसिकली द बैंक. अब होता क्या है, आपको पता है कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन होता है. सो वट एवर दी पेयर पेइंग इन द फॉर्म ऑफ कैश टू दी एम्प्लॉय, दैट ऑल कम अंडर हेड दैट इज इनकम फ्रॉम सैलरी, राइट. तो हमने देखा कि एम्प्लॉय जो है बेसिक सैलरी भी देता है, डीनस अलाउंस भी देता है, बोनस भी होता है, कमीशन भी होता है. हमने ग्रेचुटी पढ़ा, लीव इंगेजमेंट पढ़ा, ठीक है, पेंशन भी पढ़ा, हमने सब पढ़ा. बट ये प्रोविडेंट फंड क्या होता है एंड इसका एम्प्लॉय एम्प्लॉय रिलेशन से क्या मतलब है, हम वो कंसर्न पढ़ रहे हैं, राइट. तो देखिए, एक एम्प्लॉय है और एक एम्प्लॉयर है, ठीक है. अब एम्प्लॉयर जो भी सैलरी पे करेगा एम्प्लॉय को, ठीक है, तो आज के टाइम पे तो देखिए कैश फॉर्म में चलता नहीं, वो डायरेक्टली बैंक अकाउंट में ही पे करेगा, राइट. तो एम्प्लॉयर क्या करता है कि एम्प्लॉय के बैंक अकाउंट में वो अमाउंट जो क्रेडिट कर देता है, जो भी सैलरी होती है, ठीक है. तो अब एम्प्लॉयर की ड्यूटी बनती है, ठीक है, मैं वैसे बोल रहा हूँ कि एम्प्लॉयर की एक ड्यूटी बनती है कि एम्प्लॉय को एक जो है जॉब कर बोलते हैं, जॉब सेटिस्फेक्शन, ठीक है, या फिर कह सकते हैं सिक्योर्ड करने के लिए, ठीक है, लाइक आफ्टर रिटायरमेंट उनकी जो है जितनी भी जो भी टेंशन होती है, लाइक जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है उनको सॉल्व करने के लिए एम्प्लॉय करता है, एक रेगुलर कंट्रीब्यूट करता है बाय वे ऑफ प्रोविडेंट फंड, ठीक है. तो होता क्या है, मान लीजिए एम्प्लॉयर की, मान लीजिए एम्प्लॉय की सैलरी है, मैं सिर्फ एग्जाम्पल ले रहा हूँ, मान लीजिए एम्प्लॉय की सैलरी है सपोज 1 लाख पर मंथ, ठीक है. तो एम्प्लॉयर ने क्या डिसाइड किया कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई दोनों के दोनों जो है 10% अमाउंट जो है कंट्रीब्यूट करेंगे टूवर्ड्स दी प्रोविडेंट फंड, ठीक है. मैं फिर से बोल रहा हूँ, क्या बोला है कि यहाँ पर एम्प्लॉयर एम्प्लॉई के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट है, लाइक दे बोथ ऑफ देम विल गुड कंट्रीब्यूट 10% ऑफ द सैलरी ऑफ द एम्प्लॉई टूवर्ड्स दी प्रोविडेंट फंड, राइट. तो जो भी अमाउंट होगा, जैसे कितना हुआ 10,000 हुआ, सो दैट मीन्स 10,000 बाय एम्प्लॉयर एंड 10,000 बाय एम्प्लॉई एज वेल, ठीक है, दोनों के दोनों कंट्रीब्यूट करेंगे. तो पर मंथ मान लीजिए कितना अमाउंट हो गया, ये 20,000 पर मंथ जो कंट्रीब्यूट हो रहा है टूवर्ड्स दी प्रोविडेंट फंड, राइट. अब ये अमाउंट जा कर रहा है सारा का सारा, अब ये अमाउंट जा रहा है सब के सब पीएफ, ठीक है, एंड इस पीएफ को रेगुलर मेंटेन कौन करता है, दैट इज बाय गवर्नमेंट. और भी है जो इंस्टीट्यूट जो इसको करती है, बट अभी हम सिर्फ पढ़ रहे हैं कि इसको रेगुलर कौन कर रहा है, रेगुलेट कौन कर रहा है, दैट इज गवर्नमेंट, राइट. गवर्नमेंट इसको रेगुलेट कर रही है. तो देखिए, अब ये अमाउंट जो प्रोविडेंट फंड है,
वो दिया कब जाएगा बेसिकली एम्प्लॉय को, एम्प्लॉय को दिया कब जाएगा, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, एट द टाइम ऑफ डेथ, भाई यही हो सकता है भाई, या तो एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट या तो एट द टाइम ऑफ डेथ होगा। तो वो कौन पे करेगा, वो किसके पास आ रहा है, गवर्नमेंट के पास आ रहा है। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, सारे सारे जो एक एक्यूमेटेड अमाउंट जो है वो एम्प्लॉय के अकाउंट में जो है वो क्रेडिट कर देगी, राइट। तो मैं फिर से भी कर रहा हूँ, यहाँ पर कह रही कि प्रोविडेंट फंड है एंड देर इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड द एम्प्लॉई दैट दे विल रेगुलर कंट्रीब्यूट सम अमाउंट ऑफ लाइक 10% ऑफ सैलरी टूवर्ड्स दी प्रोविडेंट फंड, जो कितना है, दैट इज 20,000 पर मंथ, ठीक है। अब वो 20,000 पर मंथ जितना भी अमाउंट जाएगा वो कहाँ जाएगा, पीएफ अकाउंट में जाएगा, और पीएफ अकाउंट में कौन रेगुलर कर रहा है, दैट इज बाय दी गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट ही जो अमाउंट देगी किसको देगी, एम्प्लॉय को देगी, ठीक है। ये सारा अमाउंट किसके हाथ में जाएगा, ये एम्प्लॉय के हाथ में जाएगा, कब जाएगा, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और एट द टाइम ऑफ डेथ, ठीक है। सब अमाउंट एक्यूमेट हो गए, किसके हाथ में जाएगा, एम्प्लॉय के हाथ में जाएगा। तो देखिए एम्प्लॉय के हाथ में जो भी अमाउंट जाएगा, ठीक है, तो वो क्या क्या जाएगा, पहले आप ध्यान से देखो। एक तो जाएगा एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन जो इसमें ही ऐड है, ठीक है, फिर एम्प्लॉई कंट्रीब्यूशन वो भी ऐड होने इसमें, प्लस इंटरेस्ट देयर ऑन, दैट मींस एम्प्लॉई को एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और एट द टाइम ऑफ डेथ ये सब उसको जो है एक एक्यूमेट अमाउंट ये सब मिलेगा, ठीक है, ये सब मिलेगा। अब क्वेश्चन अराउज होता है कि जब रिटायरमेंट के टाइम पे अगर एम्प्लॉय को ये सब मिलेगा, क्या वो टैक्सेबल होगा या एग्जेम्प्ट होगा, यही हमें पढ़ना, राइट। तो ये तो हमारा कुछ बेसिक था, बट अब हमें इसको अच्छे से आगे और पढ़ना है, बिकॉज प्रोविडेंट फंड बहुत टाइप्स होते हैं, ठीक है, चार टाइप्स होते हैं। तो उसको हमें उनके नेचर के अकॉर्डिंग बहुत अच्छे से पढ़ना है कि उनका क्या क्या होता है, राइट। तो देखिए इसका मैंने आपको एक चार्ट बना रखा है ताकि आपको इजीली याद हो जाए कि आपको ये प्रोविडेंट फंड जब कब कब टैक्स होता है एंड ये कब कब जो है ये एग्जेम्प्ट होता है, राइट। तो देखिए प्रोविडेंट फंड बेसिकली देखा जाए तो चार टाइप के होते हैं। फर्स्ट वन इज SPF, दैट इज स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड। देन सेकेंड वन इज URPF, दैट इज अनरिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड। थर्ड वन इज RPF, दैट इज रिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड। एंड द फोर्थ वन इज PPF, दैट इज पब्लिक प्रोविडेंट फंड। PPF मैंने यहाँ नहीं लिखा, PPF मैंने यहाँ नहीं लिखा, क्यों नहीं लिखा, बिकॉज PPF बेसिकली मेंटेन बाय द गवर्नमेंट, बट उसमें जो है एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर का रिलेशन नहीं होता, बिकॉज दैट इज अ पब्लिक प्रोविडेंट फंड। मान लीजिए अगर कोई बिजनेस इनकम पर्सन है, बिजनेस क्लास है, तो क्या वो PF अकाउंट मेंटेन नहीं कर सकता, कर सकता है, बट उसको जो है अपना खुद का कंट्रीब्यूशन कहाँ देना है, टूवर्ड्स द पब्लिक प्रोविडेंट फंड, राइट। यहाँ पर जो हमने ये तीन पढ़ रहे हैं, दैट इज SPF, URPF एंड RPF, यहाँ पर क्या होता है, खुद का कंट्रीब्यूशन भी होता है और एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होता है। और हम क्या पढ़ रहे हैं, सैलरी, एंड सैलरी में क्या होता है, व्हेन देयर इज अ रिलेशन बिटवीन दी एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई, पर PPF में होता नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पर PPF लिखा ही नहीं है, राइट। चलिए अब पढ़ते हैं हम SPF के बारे में। SPF बेसिकली होता क्या है, देखिए SPF बेसिकली दैट इज बेसिकली सेटअप अंडर द प्रोविजन ऑफ द प्रोविडेंट फंड एक्ट 1925 एंड इट इज मेंटेन बाय द गवर्नमेंट एज वेल एज बाय द सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, एंड इट इज ऑल्सो मेंटेन बाय द लोकल अथॉरिटीज, रेलवेज, यूनिवर्सिटीज एंड रिकग्नाइज एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, राइट। सो दीज आर दी दैट इज बेसिकली दी SPF, दैट इज स्टेटूटरी प्रोविडेंट फंड, राइट। अब मैंने यहाँ पर देखिए चार कॉलम बनाए, दैट इज एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, इंटरेस्ट देयर ओन एंड द पेमेंट फ्रॉम द फंड आफ्टर द रिटायरमेंट, ठीक है। तो पहले हम पढ़ रहे सिर्फ ड्यूरिंग जॉब, अब मैं आपको बता रहा हूँ ड्यूरिंग जॉब। तो SPF देखिए एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन तो टैक्सेबल होगा, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन एग्जेम्प्ट होगा, इंटरेस्ट भी एग्जेम्प्ट होगा, कब हो गई है, ड्यूरिंग जॉब। मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैंने प्रोविडेंट फंड को जो है दो पार्ट में, मेनली जो है दो ब्रॉडर पार्ट में डिवाइड किया है, ड्यूरिंग जॉब एंड ऑन रिटायरमेंट। तो अभी मैं सिर्फ समझा रहा हूँ, दैट इज ड्यूरिंग जॉब। SPF जो है हमेशा
एम्प्लॉई यानी कि खुद का कंट्रीब्यूशन टैक्सेबल होगा, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन एग्जम्प्ट होगा, इस पे इंटरेस्ट, इंटरेस्ट किस पे, दोनों का, चाहे एम्प्लॉयर का हो चाहे एम्प्लॉई का हो, उन दोनों का जो इंटरेस्ट होगा वो एग्जम्प्ट होगा। अब कन्फ्यूजन हो रहा हो कि सर एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन यानी खुद का कंट्रीब्यूशन टैक्सेबल कैसे हो सकता है। देखिए इसमें बहुत कन्फ्यूज होती है, आप ध्यान से देखिए। मान लीजिए एम्प्लॉय की सैलरी है, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, ऊपर कितना है, दैट इज 1 लाख पर मंथ, कितना है, दैट इज 12 लाख, राइट, दिस इज द सैलरी। अब इसमें एम्प्लॉय का खुद का कंट्रीब्यूशन कितना है, दैट इज 1,20,000, राइट। अब बताओ आपका जो एम्प्लॉयर होगा आपके अकाउंट में पेमेंट कितनी करेगा, आफ्टर डिडक्टिंग दिस मच अमाउंट, तो बेसिकली आपकी सैलरी आपके हाथ में आएगी कितनी, दैट इज 10,80,000, राइट। अगर आप एम्प्लॉय है, अगर आप जब देखे हो कि आपके हाथ में ये आई, तो आप ग्रोथ सैलरी क्या शो करोगे, 10,80,000 और 12 लाख। डियर आपकी सैलरी तो 12 लाख की है ना, चाहे आप कितना भी कंट्रीब्यूट करो उससे क्या मतलब है। तो इसका मतलब है कि ये अमाउंट जो ऑलरेडी इसमें ऐड करना है, तो इसलिए बोलते हैं कि ये जो है टैक्सेबल है, ये टैक्सेबल है, ठीक है। चलिए साइड बाय साइड मैं आपको बता देता हूँ कि ये एग्जाम, सॉरी 80C के अंडर ये कब कब होता है। देखिए 80C के अंडर ये कवर्ड होता है, एंड आपको पता है 80C की डिडक्शन कितनी होती है, दैट इज मैक्सिमम अमाउंट ऑफ 1,50,000, राइट। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज अनरिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। अनरिकग्नाइज्ड मीन्स दैट दोज प्रोविडेंट फंड दैट हैज नॉट दैट आर नॉट रिकग्नाइज्ड, ठीक है। तो ये तो टैक्सेबल होता ही है, बट दे आर नॉट कवर्ड अंडर अंडर सेक्शन 80C, ये कवर्ड नहीं होता है बिकॉज ये अनरिकग्नाइज है, तो एक्चुअली जो मिलेगा वो पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा, राइट। देन कम टू द पार्ट ऑफ एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, ये एग्जेम्प्ट होगा, इंटरेस्ट भी पूरा एग्जेम्प्ट होगा। देन कम टू द पार्ट RPF, दैट इज रिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड, टैक्सेबल होगा, एंड अगेन ये कवर्ड होगा, कवर्ड अंडर सेक्शन 80C, यानी कि 80C की यहाँ पर डिडक्शन मिलेगी, कितने मिलेगी, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ 1,50,000, चाहे कंट्रीब्यूट कितना भी करो उसका मतलब नहीं है, मैक्सिमम कितना मिलेगा आपको इसमें डिडक्शन, दैट इज 1,50,000। देन जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन होगा वो टैक्सेबल होगा, कब होगा, जब अमाउंट जो है एक्सेस होगा किससे, 12% पर एनम ऑफ सैलरी। आई रिपीट, देखिए एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन तो टैक्सेबल होगा और उसकी डिडक्शन कितनी मिलेगी, 1,50,000 की, बट एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन जो है वैसे तो एग्जेम्प्ट है, बट टैक्सेबल कब होगा, जब अमाउंट जो है 12% ऑफ सैलरी से एक्सीड करेगा, राइट। फिर हम बात करते हैं इंटरेस्ट, यानी कि इंटरेस्ट दे रहा हूँ किस पे, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन का भी और एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन दोनों का मिला के जो इंटरेस्ट होगा, अगर वो इंटरेस्ट का परसेंटेज, रिपीट, इंटरेस्ट का परसेंटेज अगर 9.5 से जो एक्सेस होगा वही टैक्सेबल होगा। जैसे मान लीजिए RPF पे आपको इंटरेस्ट मिला सपोज 12%, तो टैक्सेबल कितना होगा, दैट इज 2.5%, एक्सेस पार्ट ही टैक्सेबल होगा, बाकी सारा एग्जम्प्ट होगा, राइट। सो अभी जो हमने पढ़ा, क्या पढ़ा, प्रोविडेंट फंड का बेसिक, और फिर ड्यूरिंग जो हमने पढ़ा कि कब कब वो टैक्सेबल होगा, कब कब वो एग्जम्प्ट होगा। देखिए याद करने का तरीका यही है, SPF, URPF, RPF, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन हमेशा टैक्सेबल होगा ही होगा, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन हमेशा टैक्सेबल होगा, बट एक केस में आपको डिडक्शन मिली, किस केस में, अनरिकग्नाइज में, बिकॉज वो रिकग्नाइज नहीं है इसलिए उसको वो डिडक्शन दी भी नहीं है। फिर बात करते हैं एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन तो वैसे हमेशा एग्जम्प्ट है, बट इन द केस ऑफ RPF टैक्सेबल कब होगा, अगर अमाउंट जो है 12% ऑफ सैलरी से एक्सीड कर रहा है, सिर्फ एक्सीड पार्ट ही टैक्सेबल होगा, अदरवाइज एग्जम्प्ट होगा। इंटरेस्ट वैसे तो एग्जम्प्ट है, बट ओनली इन द केस ऑफ RPF 9.5% से अगर एक्सीड कर रहा है इंटरेस्ट का अमाउंट, तो ही तो एक्सेस पार्ट ही टैक्सेबल होगा, अदरवाइज एग्जम्प्ट होगा, राइट। नाउ कम टू दी सेकेंड पार्ट, दैट इज ऑन रिटायरमेंट। देखिए प्रोविडेंट फंड जैसे हमने पढ़ा बेसिक में कि ये कब मिलता है, दैट इज एट द टाइम ऑफ डेथ और एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। तो अब हम यह क्वेश्चन कर रहे हैं कि हम क्वेश्चन आंसर है कि अगर एम्प्लॉय रिटायर हो गया तो उसको जो लमसम अमाउंट मिलेगा पेंशन का, सॉरी प्रोविडेंट फंड का, क्या वो टैक्सेबल होगा, वो हम पढ़ रहे हैं।
तो अगर वो एसपीएफ है तो वो पूरा पूरा एग्जेंट है। इन द केस ऑफ यूआरपीएफ, यहाँ ध्यान से देखिए, इन द केस ऑफ अनरिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन एज वेल एज इंटरेस्ट देयर ओन, ये दोनों जो है टैक्सेबल होगा अंडर द हेड सैलरी। आई रिपीट, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट इन द केस ऑफ अनरिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन एज वेल एज इंटरेस्ट देयर ओन, बोथ ऑफ देम वुड बी टैक्सेबल अंडर हेड सैलरी। देन एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टैक्सेबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बिकॉज वो पहले ही टैक्सेबल हो चुका है। देखिए, ड्यूरिंग जॉब वो पहले ही टैक्स दे रहा है हर साल, तो रिटायरमेंट होने के बाद दोबारा टैक्स क्यों देगा सेविंग में भी? इसलिए वो टैक्सेबल नहीं होगा, राइट? देन इंटरेस्ट, ना देखिए इंटरेस्ट, देखिए पहले टैक्स दिया नहीं, एग्जम्प्ट है, बट ऑन रिटायरमेंट जो लमसम अमाउंट लगेगा उस पर जो इंटरेस्ट होगा वो कहाँ होगा? इनकम अंडर हेड अदर सोर्सेज, यानी कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाके वो टैक्सेबल, राइट? देन ऑन रिटायरमेंट इन द केस ऑफ आरपीएफ, देखिए आरपीएफ में क्या होता है, क्या लिखा हुआ, नथिंग शैल बी टैक्सेबल, यानी टैक्सेबल नहीं होगा। कब कब नहीं होगा? एम्प्लॉय लेफ्ट जॉब आफ्टर एटलीस्ट 5 ईयर्स और ऑफ सर्विस, यानी टैक्सेबल कब नहीं होगा? अगर ईयर ऑफ सर्विस जो है मोर देन 5 ईयर्स हो। तो देखिए 99% केसेस में, देखिए ऑब्वियसली जो रिटायर होते हैं तो 5 साल से, ये तो नहीं सिर्फ 5 साल जॉब करी, भाई 10 साल, 15 साल, 20 साल, 30 साल जॉब करते हैं, राइट? तो इस केस में आपको देखो बहुत बहुत रेयर चांस होगा अगर आपको टेबल की इस पोर्शन में आना पड़े, ठीक है? देन सेकेंड क्या बोला हुआ है, ड्यू टू इल हेल्थ, डिसकंटिन्यूएंस ऑफ एम्प्लॉयर्स बिजनेस और रीजंस बियॉन्ड हिज कंट्रोल, यानी कि अगर एम्प्लॉय की बहुत ज़्यादा हेल्थ इशू हो उसकी वजह से उसको रिटायरमेंट लेना पड़ा, या फिर एम्प्लॉयर का बिजनेस है और एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर के बीच में रिलेशन मेंटेन है और वो कॉन्ट्रैक्ट जो है पीएफ का कौन सा है, आरपीएफ है, तो इस केस में अगर मान लीजिए एम्प्लॉयर का बिजनेस डिसकंटिन्यू हो गया तो ऑब्वियसली एम्प्लॉय को तो रिटायर होना पड़ेगा, जबरदस्ती फोर्स से उसको रिटायर करने दिया जा रहा है, ठीक है? तो उस केस में जो है वो टैक्सेबल नहीं होगा। इसके बाद अगर मान लीजिए कोई ऐसी सिचुएशन है जो कि एम्प्लॉयर के कंट्रोल से बाहर है तो भी वो टैक्सेबल नहीं होगा, राइट? तो ये दो कंडीशन है, ठीक है? एंड इसकी एक जो फर्स्ट पॉइंट है, इसका मैंने एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, यहाँ ध्यान से पढ़िए क्या लिखा हुआ है, द बैलेंस इज ट्रांसफर टू आरपीएफ विद न्यू एम्प्लॉयर इन सच केस फॉर कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ 5 ईयर्स अंडर द न्यू एम्प्लॉयर द पीरियड ऑफ सर्विस रेंडर्ड अंडर द प्रीवियस एम्प्लॉयर शैल बी इंक्लूडेड। ऑब्वियसली अगर कोई एम्प्लॉय अगर एक कंपनी से दूसरी कंपनी में जा रहा है तो पहले वाली कंपनी का भी उसको जो है जो ईयर ऑफ सर्विस है वो काउंट होगा, राइट? फिर लिखा है इफ नन ऑफ द अबव कंडीशन इज सेटिस्फाइड, मान लीजिए कोई नन ऑफ द कंडीशन इज सेटिस्फाइड नहीं हो रही, ठीक है? मीन्स अगर मान लीजिए कि एम्प्लॉय जो है 5 साल बाद जॉब कर रहा है भाई, जो कि होता ही है, ठीक है, तो नहीं हो रही तो क्या होगा? देन द अमाउंट नॉट टैक्स प्रीवियसली शैल बिकम टैक्सेबल, दैट इज अप टू 12% ऑफ सैलरी एंड अप टू 9.5% ऑफ सैलरी। इसका मतलब क्या होगा, अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है, अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल होती है फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तब तो टैक्सेबल होगा ही नहीं। लिखा है नथिंग शैल बी टैक्सेबल इफ दिस एप्लीकेबल, ठीक है? दैट मीन्स अगर मान लीजिए अगर कोई पर्सन है, ठीक है, और उसने 5 साल से पहले पहले उसने जॉब छोड़ दी, 5 साल से पहले 3 साल जॉब करा, तो फर्स्ट कंडीशन तो उसकी फुलफिल हुई नहीं, तो उस केस में क्या होगा? यहाँ ध्यान से देखिए, देखिए ड्यूरिंग जॉब उसने कौन सा एम्प्लॉयर का कौन सा पार्ट पे, देखो इस पे तो टैक्सेबल होगा ही नहीं क्योंकि वो ड्यूरिंग जॉब पूरा टैक्स देता रहा हर साल, तो दोबारा देगा नहीं जो कि खुद का कंट्रीब्यूशन था, बट एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन उसने कितने पे नहीं दिया, अप टू 12% ऑफ सैलरी उसने ही दिया, बट अब जाके एट अ टाइम टाइम जाके वो टैक्स हो जाएगा। सेव इन द केस ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ड्यूरिंग जॉब उसको उस पर कब टैक्सेबल दे रहा था वो, जब इंटरेस्ट का अमाउंट जो है 9.5% से एक्सीड हो रहा था, बट अगर ऑन रिटायरमेंट अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं हुई तो फिर उसको 9.5% पे भी उसको टैक्स देना पड़ेगा, राइट? देखिए ये सिर्फ एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, कॉम्प्लिकेट आरपीएफ में, बट अगर मैं आपको बात बोलूँ फ्रॉम द एग्जामिनेशन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम द ग्रेजुएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो आफ्टर रिटायरमेंट आरपीएफ का पॉइंट नहीं आता, मेजर नहीं आता, बट सिलेबस में है एंड इट्स माई ड्यूटी टू अंडरस्टैंड ऑल दिस पॉइंट्स एंड टू क्लियर
टू सिंप्लीफाई और टू प्रेजेंट इन अ सिंप्लीफाइड मैनर, तो इसलिए मैंने ट्राई करता हूँ कि आपको हर छोटे छोटे कंसेप्ट जो आपको ध्यान से पढ़ाऊँ, ठीक है। ये था आपका RPF। तो अब हम इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन करेंगे जिसमें सारे पॉइंट कवर हो जाएंगे एंड आपको क्वेश्चन भी अच्छे समझ आएगा, राइट। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक्स रिटायर ऑन 30 जून 2020। देखिए मार्क कर ली, तो इम्पोर्टेंट बनने वाला हुआ है। कब रिटायर हुआ? जून 30, 2020 को। ही सबमिट द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। बेसिक सैलरी सिंस जन 2020 ₹20,000 पर मंथ, DA 6,000 पर मंथ, इन ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, 1/3 ऑफ विच इज सैलरी ऑफ पार्ट ऑफ सैलरी फॉर रिटायरमेंट। डेट मीन्स 6,000 का 1/3 जो है कितना है, 2,000, वो 2,000 अमाउंट जो है वो किसके लिए है, फॉर द रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए। एम्प्लॉयर जो कंट्रीब्यूशन टूवर्ड्स प्रोविडेंट फंड वो कितना है, दैट इज 3,000 पर मंथ। एंड लिखा है एक्स मेक्स द सेम मैचिंग कंट्रीब्यूशन। फिर लिखा है इंटरेस्ट क्रेडिटेड एट द रेट ऑफ 15% ऑन 30 अप्रैल 2020, जो कि कितना है, दैट इज 7,500। देन पेंशन, अच्छा पेंशन भी यहाँ पर, पेंशन आफ्टर रिटायरमेंट कितना है, 10,000 पर मंथ, एंड पेमेंट ऑफ प्रोविडेंट फंड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट दैट इज 7,60,000, आउट ऑफ विच एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन 330, इंटरेस्ट देर ऑन 45,000, एक्स का कंट्रीब्यूशन कितना है 340, इंटरेस्ट देर ऑन 46,000। सैलरी एंड पेंशन बिकम ड्यू ऑन द लास्ट डे ऑफ ईच मंथ। एक्स हैज डिपॉजिटेड द एंटायर प्रोविडेंट फंड पेमेंट विद द कंपनी एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% पर एनम। फाइंड आउट द इनकम ऑफ एक्स फॉर द असेसमेंट ईयर 2021 ऑन द एजम्पशन दैट द प्रोविडेंट फंड इज SPF, RPF एंड URPF। हमें बेसिकली देखो क्या करना है, इनकम निकालनी है, यानी कि ये हमसे टोटल टैक्सेबल इनकम पूछ रहे हैं, ठीक है। तो बहुत ध्यान से करना, देखिए सब कुछ इसमें आ गया। तो स्टार्ट देखें हम वही सिंपल करेंगे, जैसे अगर आप देखिए, मैंने आपके अपने मैंने आपको जो वीडियो अपनी जो प्रीवियस वीडियो देखी है, हम देखिए क्या करते हैं, इनकम अगर निकालते हैं TTI दैट इज टोटल टैक्सेबल इनकम, कैसे निकालते हैं, इट मीन्स आफ्टर एडिंग अप ऑल दी इनकम्स फ्रॉम दी मेजर फाइव हेड्स, वी विल डिडक्ट डिडक्शंस, ठीक है, एंड देन यू विल गेट टोटल टैक्स इनकम, राइट। तो यहाँ पर हम वही पूरा फॉर्मेट लेके चलेंगे। तो पहले हम बात कर रहे हैं यहाँ पर इनकम फ्रॉम सैलरी की, पर आप लिख सकते हो, पहले हम बात कर रहे हैं इनकम फ्रॉम सैलरी, राइट। तो देखिए सैलरी में उसको मिलकर क्या रहा है, देखिए रिटायर कब हुआ, वो रिटायर का यहाँ पर डेट लिख लेते हैं, दैट इज 30 जून 2020 को वो रिटायर हुआ, ठीक है। तो देखिए हम असेसमेंट ईयर कौन से का ईयर का कर रहे हैं, दैट मीन्स 2021, तो बताओ प्रीवियस ईयर कितना होगा, दैट इज 2020 to 2021। दैट मीन्स हम देखेंगे फ्रॉम 1 मार्च 2020 टिल 31 दिसंबर 2021। तो बताओ इस पीरियड में उसने कितने टाइम उसने जो जॉब किया, उसने जॉब किया टिल 30 जून 2020, दैट मीन्स अप्रैल मई जून, तो उसको सैलरी तो 3 महीने की मिली होगी, ठीक है। तो यहाँ देखिए, यहाँ लिखेंगे बेसिक सैलरी उसने कितने महीने काम किया, 3 मंथ्स का, एंड पर मंथ उसकी सैलरी कितनी, दैट इज बेसिक कितना है 20,000 × 3, ठीक है। ये अमाउंट मैं तीनों केस में ही लिख रहा हूँ, दैट इज 60,000 इन ईच केस, राइट। अब देखिए यहाँ पर एम्प्लॉय को और क्या क्या मिल रहा है, दैट इज DA, बट उसमें लगेगा कि 1/3 जो है पार्ट जो है वो रिटायरमेंट बेनिफिट का है। स्टूडेंट मैं फिर से बोल रहा हूँ, जो DA है वो तो मिल तो पूरा ही रहा है उसको, तो पूरा का पूरा जो है वो टैक्सेबल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे एड DA, दैट मीन्स वैले कैलकुलेटिंग दी इन टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी, आपको DA हमेशा पूरा 100% टैक्सेबल करना है, राइट। तो DA कितना होगा, दैट इज 6,000 × 3, राइट। अमाउंट कितना होगा, दैट इज 18,000 इन ईच केस, ये हो गया।
और क्या मिल रहा है उसको, देखिए ड्यूरिंग जॉब उसको और क्या क्या मिल रहा है उसको, ये पॉइंट हो गया आपका, डीए तक हो गया। अब लिखा है एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स प्रोविडेंट फंड कितना है, 3,000 पर मंथ, एंड एक्स मेक्स मैचिंग कंट्रीब्यूशन। अब आप देखिए यहाँ पर, देखिए जो उसका खुद का कंट्रीब्यूशन है ठीक है, वो तो सैलरी में इंक्लूड है, वो तो सैलरी में इंक्लूड है, तो उसको दोबारा ऐड नहीं करना आपको। मैं फिर से बोल रहा हूँ, जो उसका खुद का जो कंट्रीब्यूट है वो ऑलरेडी सैलरी बेसिक सैलरी और डी में इंक्लूड हो गया ठीक है। तो यहाँ पर आपको अलग से और क्या मिल रहा है, यहाँ पर एम्प्लॉय को एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन जो कि कितना मिल रहा है, 3,000 पर मंथ। तो बता ड्यूरिंग जॉब उसको कितना मिल रहा है, देखिए ड्यूरिंग जॉब उसको कितना मिल रहा है। यहाँ देखिए अपन ड्यूरिंग जॉब अगर बात कर रहे हैं, एसपीएफ केस में ड्यूरिंग जॉब एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन तो टैक्सेबल होता ही नहीं है ठीक है, यूआरपीएफ में टैक्सेबल नहीं होता राइट, बट इन द केस ऑफ आरपीएफ, बट इन द केस ऑफ आरपीएफ अगर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन 12% ऑफ सैलरी से एक्सीव कर रहा है तो टैक्सेबल, अदरवाइज नहीं होगा ठीक है। तो यहाँ पर हमें देखने का, यहाँ पर देखिएगा लिखा मैंने 12% ऑफ सैलरी, आप यहाँ पर सैलरी का मीनिंग क्या है, फॉर दिस यू नीड टू गो फॉर दी गोल्डन रूल्स। तो एक बार गोल्डन रूल्स देख लें कि पीएफए कंट्री से क्या है, पीएफ देखिए लास्ट कॉलम है, कॉलम नंबर 5, और लिखा है क्या यहाँ पे, सेम एज कॉलम नंबर 2। अब कॉलम नंबर 2 के कह रहे हैं, कॉलम नंबर 2 में क्या है, एचआरए। तो देखिए ये तो मीन्स एचआरए इज इक्विवेलेंट टू प्रोविडेंट फंड मिनिमम सैलरी इसमें। तो इसमें क्या क्या है, देखिए बेसिक सैलरी प्लस डीए फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट एंड थर्ड वन इज कमीशन राइट, तीनों ऐड करेंगे यहाँ पर हम सैलरी में, तब जाके आपका सैलरी आएगा। तो एक बार यहाँ पर छोटी सी कैलकुलेशन कर रहे थे, यहाँ पर कैलकुलेशन ऑफ सैलरी, कैलकुलेशन सैलरी देखिए यहाँ पर क्या ऐड करना आपको, देखो बेसिक सैलरी डीए करना है, फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट एंड क्या ऐड करना आपको, कमीशन, आई थिंक कमीशन तो है ही नहीं यहाँ पर, कमीशन तो है ही नहीं आपका। तो देखिए बेसिक सैलरी देखिए इसको कितना मिला, कितना मिला देखिए यहाँ पर, कितना आएगा 60,000 ठीक है। अब इसमें देखिए फॉर्मिंग पार्ट ऑफ में देखिए कितने, वन थर्ड किसका लॉ गया, 6,000 का, दैट इज 2,000, 2,000 ठीक है। सो 2,000 हो गया आपका, ये 2,000 × 3 दैट इज कितना हो गया, 6,000, कमीशन तो है ही नहीं, तो टोटल कितना हो गया, दैट इज 66,000 ठीक है। तो ये सैलरी में आपका इंक्लूड हो जाएगा राइट। तो अगर हम इसका देखिए 12% निकालेंगे, 12% निकालें तो 12% अमाउंट कितना है, दैट इज 7,920, बिकॉज क्या बोला, 12% ऑफ सैलरी जो एक्सीड करेगा अमाउंट वो टैक्सेबल होगा ठीक है। तो देखिए एम्प्लॉयर अगर आप देखिए कि एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन अमाउंट है कितना, 3,000 पर मंथ, देखिए ना कितना है, दैट इज 3,000, 3,000 पर मंथ राइट। तो देखिए 3,000 पर मंथ कितना अमाउंट हो रहा है, 3,000 × 3 दैट इज 9,000, और ये एग्जाम्ड पार्ट है, सो दैट मीन्स जो डिफरेंस होगा इसका और इसका वो टैक्सेबल हो जाएगा राइट। वो किस में होगा, आरपीएफ में होगा, बाकी सब में नहीं होगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एड, टैक्सेबल क्या लिख रहा हूँ मैं, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। एसपीएफ के इसमें तो कुछ नहीं आएगा, यूआरपीएफ के कुछ नहीं आएगा, टैक्सेबल है नहीं, और आरपीएफ में कब टैक्सेबल है, जब एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन जो है 12% ऑफ सैलरी से एक्सीड करेगा राइट। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कितना पार्ट टैक्सेबल है, 9,000 लेस 7,920 राइट, तो ये अमाउंट कितना देगा आपका, दैट इज 1,080 राइट। मतलब देखिए टेबल में एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन तो भी आता है ठीक है। अब बात करते हैं हम इन इंटरेस्ट की, देखिए एसपी केस में तो टैक्सेबल नहीं होगा, यूआरपीएफ केस में टैक्सेबल नहीं है, आरपीएफ केस में टैक्सेबल कब होगा, अगर इंटरेस्ट का अमाउंट इन परसेंटेज फॉर्म में
9.5% से एक्सीड कर रहा है तो टैक्स वाला अदरवाइज नहीं होगा। तो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है देखिए इंटरेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से कि इंटरेस्ट क्रेडिटेड एट द रेट ऑफ 15% एक्सीड कर रहा है, 9.5 से ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है 5.5, कितना अमाउंट है प्लस को 7,500। देखिए कैसे करेंगे, यहाँ पर ऐड करोगे इसमें आप इंटरेस्ट देयर ऑन, कैसे करोगे देखो कैलकुलेशन बुधन से करनी है। देखो तो अमाउंट कितना मिला 7,500, ये कितना परसेंट है 15% है। अब आपको टैक्सेबल अमाउंट निकालना है तो टैक्सेबल कैसे निकालोगे ध्यान से देखो, देखिए अप टू 9.5 एग्जेम्प्ट है, मिला कितना 15, तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा जो कितना आएगा आपका ये दैट इज 5.5, तो वो टैक्सेबल होगा। तो हमें टैक्सेबल निकालना है तो मंडल कैसे करोगे 5.5, ठीक है। सो ये अमाउंट आपका जाएगा किस केस में आरपीएफ केस में दैट इज 2,750, बाकी केस में तो कुछ होगा ही नहीं, बाकी केस में तो कुछ होगा ही नहीं, राइट। अच्छा अभी तो ड्यूरिंग जॉब हो गया आपका, अब आते हैं रिटायरमेंट के टाइम पे। अब देखिए रिटायरमेंट टाइम पे क्या मिला, पेंशन आफ्टर रिटायरमेंट कितना मिला 10,000 पर मंथ। देखिए वो रिटायर कब हुआ 30 जून को, सो दैट मीन्स फ्रॉम 1 जुलाई इनवर्ड्स दिस पर्सन इज एंटाइटेड टू गेट पेंशन। अच्छा आगे क्या लिखा हुआ है एंड द पेमेंट प्रोविडेंट फंड, अच्छा पेंशन बस इतना ही लिखा हुआ है। सो देखिए पूरा 9 मंथ्स का पेंशन जो उसको मिल रहा हुआ है तो वो ऐड कर देते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पर हम ऐड करेंगे पेंशन जो उसको कितना मिला दैट इज 10,000 मल्टीप्लाई बाय 9 फॉर 90 मंथ्स, फॉर 9 मंथ्स अमाउंट इज 90,000, ये तो सब में ही लिखना है आपको। आप कंफ्यूज नहीं होना, याद रखना हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर 2021 इन ईच केस, चाहे एसपीएफ हो चाहे आरपीएफ हो चाहे यूआरडीओ हो, ठीक है। अब देखिए अपॉन रिटायरमेंट देखिए और क्या क्या मिला, पेंशन तो हो गया पॉइंट आपका, अब लिखा एंड द पेमेंट ऑफ प्रोविडेंट फंड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट 7,60,000, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन वाला इंटरेस्ट मिला। तो देखिए अगर आप टेबल ध्यान से देखिए ऑन रिटायरमेंट एस पी एफ द फुल एग्जेम्प्ट, ठीक है। आर पी एफ देखें तो उसने देखिए जॉब कितने टाइम किया, उसने जॉब उसने कितने टाइम किया कुछ लिखा नहीं है, कुछ लिखा नहीं है, तो हम क्या मानने चलेंगे कि उसने जॉब जो है 5 साल से ज़्यादा किया एजम्पशन किया। सो दैट मीन्स जो पूरा का पूरा अमाउंट मिला उसको चाहे एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर हो चाहे एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन आर पी एफ में पूरा पूरा एग्जम्प्ट होगा, राइट। अब बात करते हैं यू आर पी एफ में, यू आर पी एफ में अपॉन रिटायरमेंट एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन एंड इंटरेस्ट दे रहा हूँ वो टैक्सेबल होगा अंडर द हेड सैलरी, ठीक है। तो वो लिख देते हैं अपॉन रिटायरमेंट एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन एंड इंटरेस्ट दे रहा हूँ वो टैक्सेबल होगा किस केस में होगा, ओनली इन द केस ऑफ यू आर पी एफ, राइट। तो देखिए एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन कितना कितना है, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन है 330 एंड इंटरेस्ट कितना है 44,000, इस केस में कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। ये हो गया आपका देन सैलरी पेंशन ड्यू इन दिस दिस, ठीक है। तो देखिए सैलरी तक तो ये पार्ट हो ही गया आपका, ठीक है सैलरी तक तो ये पार्ट हो ही गया आपका। तो अब आपके पास इन हैंड कितना बचेगा आपका आएगा ग्रो सैलरी, इन हैंड आपके हाथ में क्या आएगा ग्रो सैलरी, सबको ऐड कर देंगे टोटल आपका आ जाएगा इसमें 1,68,000, 1,71,800 सॉरी 8,30, एंड इसमें आएगा 5,42,000, राइट। अच्छा ग्रोथ सैलरी तो आपका आ गया,
अच्छा, इसमें ना आपको एक डिडक्शन मिलती है, लेस करेंगे स्टैंडर्ड डिडक्शन, ठीक है, जो कि कवर्ड होती है अंडर सेक्शन 16(1)(a) में। कितनी है? 50,000। सो 50,000 इन ईच केस में हम इसको माइनस कर देंगे, एंड देन फाइनली वी विल गेट टैक्सेबल सैलरी, यानी कहते हैं इनकम अंडर हेड सैलरी। तो ये आपका आ जाएगा, दैट इज 1,18,000, देन 1,21,830 एंड 4,92,000, राइट। तो ये सैलरी तो हमारा हो गया। अब देखिए हमें क्या निकालना है, दैट इज हम क्या कर रहे हैं, देखिए ऊपर हेडिंग लिखी मैंने कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम, और टैक्सेबल इनकम कहती है आफ्टर एडिंग अप ऑल द इनकम फ्रॉम द फाइव मेजर हेड्स, तो सैलरी हो गया हमारा, ठीक है। अब देख सकते हो, देखिए मैंने ऊपर यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर आप देखोगे तो इसका छोटा सा जो लिंकअप होता है वो किस होता है आपका, अदर सोर्सेज से भी होता है। तो यहाँ पर दैट मीन्स आपकी इनकम अदर सोर्सेज से भी आएगी, तो बिकॉज ऑन रिटायरमेंट आपकी एम्प्लॉयर जो कंट्रीब्यूशन है वो तो टैक्सेबल नहीं है, बट उस पर जो इंटरेस्ट है वो टैक्सेबल है, किस केस में, यूआरपीएफ केस में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर है एम्प्लॉयी कंट्रीब्यूशन और उस पर इंटरेस्ट कितना है, 46,000, वो टैक्सेबल जाएगा कहाँ पर, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में, राइट। तो यहाँ पर लिखिए आप, ऐड कीजिए इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन 46,000, किस केस में, यूआरपीएफ केस में ही टैक्सेबल होगा। सो 46,000 यहाँ पर ऐड कर देंगे, बाकी सब में ऐड नहीं होगा, राइट। अच्छा अब आगे देखिए, यहाँ लिखा हुआ है कि एक्स ने जो भी अमाउंट मिला उसको प्रोविडेंट फंड का कितना मिला, उसको टोटल 7,60,000 उसने अगर कंपनी के पास उसने डिपॉजिट कर दिया, और उसको इंटरेस्ट कितना मिला है, दैट इज 9% पर एनम के हिसाब से। आई रिपीट, उसने जितना भी उसको एंटायर अमाउंट मिला 7,60,000 आफ्टर रिटायरमेंट, उसने कंपनी के पास एज अ कंपनी के पास डिपॉजिट कर दिया, एंड ऑन दैट पर्टिकुलर डिपॉजिट ही इज अर्निंग इंटरेस्ट एट द रेट 9% पर एनम, राइट। अब देखिए चाहे कोई भी पर्सन चाहे कहीं भी डिपॉजिट करे, उसको कहीं पर इंटरेस्ट मिल रहा हो, तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाके टैक्सेबल हो जाता है, राइट। तो देखिए क्या करेंगे यहाँ पर हम, यहाँ ऐड करोगे आप इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, कितना अमाउंट टैक्सेबल हो रहा है, देखिए 7,60,000 का 9% है, उसको पर एनम 9% मिल रहा है, तो इस ईयर भी उसको 9% मिलेगा, बट उसने वो रिटायर कब हुआ था, ये अमाउंट कब मिला था, ऑन रिटायरमेंट, दैट मीन्स ऑन 1 जुलाई 2020 को, एंड दैट मीन्स उसने 9 मंथ्स के लिए रखा होगा, तो 9 मंथ्स का उसको इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा, ठीक है, विच इज 51,300 वो टैक्सेबल हो जाएगा कहाँ पर, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। यहाँ पर आपने चाहे आप लिख दो यहाँ पर हेडिंग इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, ठीक है, राइट। बस अब हम सबको ऐड कर देंगे, बिकॉज ऑफ इनकम तो आएगी नहीं, ठीक है, तो बस हम सबको ऐड करके क्या जाएगा आपका, जी टी आई, दैट इज ग्रोस टोटल इनकम, ग्रोस टोटल इनकम सबको ऐड कर देते हैं, अमाउंट आ जाएगा आपका 1,69,300, यहाँ पर आएगा आपका 1,73,130
पर आया होगा 5,89,300, राइट। बस लास्ट में हम क्या लेस करेंगे, हम डिडक्शंस अंडर हेड, बिकॉज तो वही वही आएगा आपका, ठीक है। 80C में जाकर होगा, आप देखिए यहाँ पर मना को बताता है डिडक्शन कहाँ कहाँ पे अलाउड है। एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन देंगे, एस पी के केस में जो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन होगा टैक्स से वो एग्जाम्पल रहता है कितना, 1.5 लाख तक है। और देखिए एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन देखिए कितना कितना है, कितना उसको 3,000 पर मंथ है, एंड 3,000 कितने महीने के लिए, 3 महीने के लिए 9,000 ही गया, तो 9,000 तीनों के तीनों केस में जो है आपका वो एग्जेम्प्ट नहीं होगा, यूआरपीएफ केस में एग्जेम्प्ट नहीं होगा, ठीक है। यूआरपीएफ केस में एग्जेम्ट होगा, बट एसपीएफ एंड आरपीएफ केस में एग्जेम्प्ट हो जाएगा। सो 9,000 माइनस एंड 9,000 माइनस, राइट, इसमें नहीं होगा, ठीक है। अच्छा इसमें एक पॉइंट और, अगर आपने डिडक्शन की वीडियो देखी होगी तो उसमें एक और आपका दैट इज डिडक्शन अंडर सेक्शन TTA, ठीक है। TTA में क्या है, अगर कोई पर्सन, ठीक है, अगर कोई टैक्स पेयर अगर अपनी कोई इन्वेस्टमेंट करता है बाय वे ऑफ बैंक में जाकर कोई डिपॉजिट करता है, ठीक है, तो उस पर कोई इंटरेस्ट मिलता है तो उसको 10,000 की उसको डिडक्शन मिलती है, राइट। एंड अगर वो सीनियर सिटीजन है तो उसको 40,000 की डिडक्शन होती है। बट वो किसी इसमें अगर वो डिपॉजिट कर रहा है बैंक में, नेशनलाइज बैंक में, किसी कंपनी में नहीं, इसने कंपनी में किया है इसलिए उसकी कोई डिडक्शन मिलेगी, राइट। तो यहाँ पर बस यही पूरा का पूरा क्वेश्चन, ये जितनी भी इनकम आएगी अब वो क्या बनेगी आपकी टोटल टैक्सेबल इनकम, पूरी टोटल क्या बनेगी आपकी टोटल टैक्सेबल इनकम, दैट्स इट, ये होगी आपकी 1,60,300, 1,64,130 एंड 5,89,300। दिस इज द होल कंसेप्ट ऑफ प्रोविडेंट फंड, ठीक है। आपको देखिए ये मैं आपका स्नैपशॉट ले लूँ, ये पॉइंट जो है टेबल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है इन द केस ऑफ प्रोविडेंट फंड, ठीक है। ये देखिए पूरा कंसेप्ट आपका यहाँ पर आ गया है, राइट। तो उसको बहुत अच्छे से कीजिए। सो क्लास विद दिस वी हैव फिनिश्ड दिस टॉपिक, आई होप यू हैव अंडरस्टूड वेरी वेल।